अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है स्प्रिंग रोल की। इसको आप चिकन वेज रोल भी कह सकते हैं, चिकन चीज़ रोल भी कह सकते हैं, और ये बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए जो जो अज़ा हमें चाहिए वो क्या है। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि अफ्तारी में आपको बहुत ज़्यादा भगदड़ ना मचे। इसके लिए सबसे पहले जो हैं वो हमने समोसा पट्टी ली है, या आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसके लिए मैंने फ्रोज़न गाजर ली हैं, जिसको एक मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था ताकि ये डिफ्रोज हो जाएँ और ताकि ईज़िली कट हो जाएँ। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसी से धुआँ निकल रहा है। और इसके साथ साथ जो बॉइल्ड चिकन लिए थे तकरीबन एक कप के करीब है, इसको रेशा रेशा कर लिया है। इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स और हैं। यहाँ देखिए मैंने जो गाजरें थी उनको इस वक्त माइक्रोवेव में रखने से वो सॉफ्ट हो गई थी, इजीली कट हो गई हैं। कुछ बंद गोभी ली है। ये सब वेजिटेबल आपके टेस्ट पर डिपेंड करती हैं। एक मीडियम साइज़ की जो है प्याज लिया, उसको बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है, लाल कलर की और ग्रीन कलर की, ये डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं, तो आप जिस कलर में चाहे ले सकते हैं। साथ साथ कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 1/4 कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/4 ऑरिगेनो लिया है, 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है, नमक हसबे ज़रूरत, और 1/4 हमने गार्लिक पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने सोया सॉस और 1/2 चम्मच चिली सॉस लिया है, चाइनीज़ सॉल्ट लिया था 1/4। एक पैन में ऑयल गरम किया, तमाम वेजिटेबल्स प्याज के साथ डाल दी, मिक्स करेंगे, तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिक्स करना है, तमाम स्पाइसेस डाल देना है। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे, चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। यहाँ आप नमक में बैलेंस रखिएगा, क्योंकि आपने सोया सॉस भी डाला है, नमक भी डाल रहे हैं और चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल रहे हैं, तो तीनों चीज़ें डालेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए नमक की मिकदार जो है नॉर्मल से थोड़ी कम रखिएगा। साथ साथ हमने इसमें बॉइल चिकन डाल दिए, मिक्स करेंगे इसको, 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची से रखना है, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे रोल तो चिकन जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो जाएंगे उसी में, बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब करना ये है कि इस स्टेज पे हम आधी वेजिटेबल, जो आधा जो हमने ये स्प्रिंग रोल का जो मसाला जो रेडी किया है उसको निकाल लेंगे, और आधे में हमने 1/2 कप चीज़ ऐड कर दी है। यहाँ भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ बस चीज़ मेल्ट होगी, क्योंकि वेजिटेबल्स चिकन गर्म है, उसी में चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो ये हमारा दूसरा वो जो है मसाला रेडी हो जाएगा। आप एक ही रेसिपी से 2 तरह के डिशेज़ या 2 तरह के रोल बना सकते हैं, जो कि चीज़ डालने से टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रोल को स्टिक करने के लिए जो हम लई बनाएंगे वो हमने मैदे को पानी में घोल के लई बना लिए। आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं, अंडा यूज़ कर सकते हैं। ये वो फीलिंग है हमारी जो हमने विदाउट चीज़ बनाई है। समोसा पट्टियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं। अब करना ये है कि स्मूथ सरफेस पे हम समोसा पट्टी को फैला लेंगे, और इसका जो नीचे इसको हमने क्रॉस में फैलाना है। अब इसके एक साइड पे हमने फिलिंग रखनी है, और इसको थोड़ा सा टाइटली इसको रोल करना है, फिर राइट साइड से, लेफ्ट से, और फिर इसी तरह रोल करके लास्ट में ले जाएंगे। जब आप दोनों हाथों से करेंगे, मैं एक हाथ से कर रही थी, जब आप दोनों हाथों से करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक हाथ से भी काफ़ी सही बना था, ये देखिए।
अब जो ये लास्ट का कॉर्नर है यहाँ हम जो हमने मैदे की लई बनाई है वो लगाएंगे और इसको स्टिक कर देंगे। तो ये हमारे जो हैं स्प्रिंग रोल रेडी हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। एक मेथड ये था रोल बनाने का। अब दूसरा मेथड ये है कि आपने समोसा पट्टी को फैला लिया, अब आपने करना ये है कि जो नीचे का कॉर्नर है उसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से क्या होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े रोल पसंद नहीं होते तो साइज़ भी नॉर्मल हो जाएगा, या आपको डर है कि कहीं फिलिंग समोसा पट्टी फट ना जाए, फिलिंग बाहर ना आ जाए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। या इसमें आप कोई ऐसी फिलिंग डाल रहे हैं जो बहुत थोड़ी जूसी है, कुछ लोग मायनीज के साथ या कुछ सॉसेस के साथ फिलिंग करते हैं रोल बनाने के लिए, तो वो इस तरह से इसमें फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दो समोसा पट्टी यूज़ करें। जब आप एक कोने से इसको फोल्ड कर देंगे तो फिलिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी, रोल भी आपके प्रॉपर साइज़ के बनेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें दो समोसा पट्टी यूज़ नहीं किए, तो आपकी बचत ही है। कॉर्नर पे रखना है आपने फिलिंग जो आपने फोल्ड किया है, फिर उसको एक दफ़ा फोल्ड और करना है। अब हम जो ये बना रहे हैं वो हम चीज़ के साथ बना रहे हैं, जो हमने चीज़ की फिलिंग तैयार की थी बिल्कुल इसी तरह। तो ये देखें हमारे विद चीज़ और विदाउट चीज़ हमारे जो हैं स्प्रिंग रोल रेडी हैं, परफेक्ट साइज़ है। ज़्यादातर मैंने इसमें कॉर्नर जो है इसका कॉर्नर फोल्ड करके बनाए, तो आप देखें साइज़ में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, और इसमें आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो है समोसा पट्टी फटेगी नहीं। ये वो तरीका है जिसके लिए आप कोई जूसी फीलिंग अगर कर रहे हो तो इसके लिए आपने कुछ फ्रीज़ करने के लिए बैग्स लेने हैं जिस पे आपने डेट लिखनी है कि आपने किस दिन इसको फ्रीज़ किया है, और उस पे मेंशन कर लें कि आपने जो रोल बनाए हैं वो कौन से हैं। तो मैंने इस पे एक जगह चीज़ चिकन रोल जिसमें पैक किए हैं वो हैं, और दूसरे में जो हैं चिकन वेज रोल्स हैं जो विदाउट चीज़ हैं। तो आप इसको फ्रीज़ करके बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं पूरे रमादान। ये लास्ट में मैं आपको सिर्फ दो रोल फ्राई करके दिखा रही थी क्योंकि मैंने तो सारे फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये देखें जो नॉर्मल प्रोसेस होता है इसी तरह फ्राई करना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।